जिंदगी में कैसी कैसी बीती है राहे 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 कभी जागे जी। मैं एक दिन मलकों के कब्जे से अपनी जमीन जरूर छुड़ाऊंगा। बेटा अभी तो तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, जमीन का बाद में देखा जाएगा। ये कौन आ गया इस वक्त? कोई मरीज होगा, बीमारियां भी तो रात को ही जोर करती हैं। हकीम जी खून की उल्टी आ गई है। कैसे शुरू हो जाते हो, पत्थर बरसाने लगते हो, और तुम्हें कोई कच्चा गाना नहीं आता? चौधरी साहब सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा, मगर ये पक्का गाना मेरी उम्र भर की रियाजत का फल है सरकार। बहुत कौड़ा फल है। सरकार स्टोर में पड़ा रहा। चुप चुप। सरकार ये फन मैंने अपने मरहूम वालिद साहब बख्शती से सीखा है जी, जो खान साहब रंगीला खान के शागिर्द थे और उनके कदमों में बैठते थे। सरकार जरूर बैठता होगा। ओए 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 कोई देसी गाना सुना चौधरी साहब को। हाय प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं सुर से जिसको, प्यार नहीं पत्थर नहीं मारते पांडों के मुंह नहीं लगते, मूर्ख ये बारा बार बंद देते हैं। बाबा जनी सारी दा बाबा चुप। ओए ये गाना वाना बंद करो। बलक शेर जी अब्बा इसे कुछ देकर फारग करो। फसल पक जाती है तो इनको हम और अपने कच्चे पके राग याद आ जाते हैं, सारा साल उधर मलक की रागनियां गाते हैं। मौला खुश रखे, जड़ हरी रहे सरकार। आमीन। हमारे लिए हम तो उनके भी मांगत और आपके भी मांगत, सरकार हमारे लिए तो दोनों बड़े और बराबर हैं जी। ओए बराबर किस तरह होगा, कितनी जमीन है उसकी? पीर लंगशाह का पखंड बनाकर नजराने वसूल करता है फ्राटिया। पक्की 6 मण कणक दी है जी उन्होंने। 6 मण? हां जी। फलक शेर जी अपा
इसे सत मन तुलवा के दे दे। माला भाग लगे रहे हरे रहन, सरकार खैर होवे। अगर ये बात गलत निकली हाँ जी, तो मैं तेरी खल उतार लूंगा। सरकार मौला खुश रखे, मौला खुश रखे, ये खाल भी आपकी और हड्डियां भी आपकी अगर लब गई तो ताना दे रे ना, ताना दे रे ना। तो है मोचन का क्या बना? मर गई। मर गई? हाँ, उसकी चारपाई पुलिस चौकी ले गए और बाहु खाल साथ गया है, कहता है कि डॉक्टरी मुलाजा कराएंगे। ये लड़का पढ़ लिख के कुछ बहुत ही तेज हो गया है। अभी तो सिर्फ पढ़ रहा है और पूरा वकील बन गया तो पता नहीं क्या करेगा। क्या करेगा? निकाल देंगे उसकी वकालत शिकालत किसी रोज। चाचा तुम हमारे बड़े हो, जो कहोगे करेंगे, पर माँ और ताजी को पुलिस ले गई ना, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुकदमा दर्ज हो जाए तो थाने चौकी जाना पड़ता खानापुरी के लिए। तुम फिक्र ना करो, छेती जमानत हो जाएगी। अल्लाह खैर और बेड़े पार। वो मैंने उन्हें कहा रिपोर्ट कैसे नहीं लिखेंगे? भाई आप सरकार के मुलाजिम हैं या चौधरी और नंबरदारों के काम है? भाई आपकी ड्यूटी है लोगों की दाद फरियाद सुनना। और फिर बहु खाल? फिर क्या था, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी और पोस्टमार्टम भी किया। यार ये पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से क्यों कतराती है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? यार शिकायत रिकॉर्ड पर आ जाती है, अदालत में चालान पेश करना होता है। उनकी कोशिश होती है कि सब कुछ उनके हाथ में हो। अच्छा ये चौधरियों में से कोई नहीं आया? फलक शेर आया था, लेकिन तब तक सारा काम हो चुका था। मुझसे तो कोई बात नहीं की, कुछ देर थानेदार के कमरे में बैठा रहा, फिर चाचे याद को एक तरफ ले जाके दिलासे लासे देने लग गया और कुछ लालच भी दिया, लेकिन चाचा याद बड़ा बिखरा हुआ था। मुडोरे और चौधरी सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे बहु खालद। तो यार तो हो जाए ना, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ? और मैं कानून भी तो इसीलिए पढ़ रहा हूँ। ओए अब्बा जी तो मुझे तिब्बिया कॉलेज में दाखिल कराना चाहते थे, मैंने उन्हें कह दिया वकालत भी तो गरीब लोगों को नाइंसाफी की बीमारियों से बचाती है। वो ठीक है प्यारे, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, लेकिन सुनो किसी से डरना नहीं है, समझे? स्वाय अल्लाह ताला। बहु खाल अदालत से अगर तुम्हारी तलबी हुई तो तुम्हें इतला कौन करेगा? चाचा याद। अच्छा मेले पर तो आओगे ना, बासु की कबड्डी देखने? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। सुना है चौधरी अपने भतीजे नूरे को पा बासु के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। वैसे नूरा है बड़ा अच्छा खिलाड़ी। इस दफा मलिक ने 5,000 का इनाम भी रखा है। 5,000? जितना तो शेर अपने पापा सुने ही है ना। लवी तय तरक्की नहीं करनी जीरू, वो साथ इंशाल्लाह भी कहा करो। तुम किस लिए हो मियां? तो तुम भी कभी रब का नाम ले लिया करो। माँ जी सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ पुत्रो जाओ अपने अपने घरों को जाओ और इसको सोने दो, आधी रात हो गई है, सुबह इसने शहर भी जाना है। जाओ यार चलते हैं भाई। अच्छा भाई खान रब रख। अच्छा अपना ध्यान रखना। अच्छा जी दाफत बाबू खाल। मैं सवेरे आ जाऊंगा। और नहीं यार किसी को आने की जरूरत नहीं है, और मैंने टांगे वाले को कह दिया मैं बासु से मिल के निकल जाऊंगा। सुबह की सुबह देखी जाएगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम मुंशी। आइए आइए। ओ मुंशी सवेरे सवेरे खैर तो है ना? रात मुझे मलिक साहब ने बुलाया और कहा कि जीत बासु की होनी चाहिए और इनाम भी वही हासिल करे। और किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह मुंशी उसी को मिलेगा। बासु को मलिक साहब अपना खिलाड़ी समझते हैं और नूरे की हार पूरी चौधरी बरादरी की हार है, और वो चाहते हैं कि बासु खूब तैयारी करें।
इसके लिए उन्होंने तुम्हारे घर 10 मन गंदम और 1 लियारी भैंस बजवाने का फैसला किया है। बहुत मेहरबानी मुंशी साहब, आइए ना, आइए, तशरीफ रखिए, आए। अच्छा और पाक करमदीन, बस यही नहीं, मैंने मलिक साहब से कहा कि कुमारों के घर में एक बादामों का दरख्त लगवा दे। मलिक साहब कहने लगे, यार मुंशी तुम बहुत चलाक हो, बादामों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। आज तुम किसी वक्त जाके मलिक साहब से मिल लेना। बड़ी मेहरबानी। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मैं ऐसे कबड्डी नहीं खेलूंगा। क्यों पुत्र? मैं कबड्डी किसी की इज्जत बेइज्जती के लिए नहीं, अपने शौक के लिए खेलता हूं। मैं, तू आप सोच, अगर मांगे तांगे की रोटियों से मैं जीत भी जाऊं तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी। मेरा पुत्र, हम उनके कमी हैं, पहले भी हम उन्हीं का दिया खाते हैं। अब्बा, उन्हीं का नहीं, अल्लाह का दिया खाते हैं। तेरी मेहनत है, उनका कोई एहसान नहीं है हम पे। देख पुत्र, ऐसी बातें नहीं करते, मलिक साहब नाराज हो जाएंगे। वो होते हैं तो हो जाए, उन्होंने तो मुकाबले के लिए कुत्ते और घोड़े भी पाल रखे हैं। मैं किसी का राखवा बनकर नहीं खेल सकता। ठीक कहता है अब्बा, मलिक भी तो चौधरी की कार की वजह से हम पे मेहरबान हुआ है। पा बासु, तू अच्छा खिलाड़ी नहीं बल्कि खुददार और बहादुर भी है। तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, गाड़ी का टाइम हो रहा है। चलो मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ, मैं चले जाऊंगा। अच्छा चाचा जी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, मेले पे पहुंच जाना। हाँ जरूर पहुंचूंगा। खालिद, खालिद। क्या बात है? इधर आ। नीचे आके बात कर। हमारे घर पुलिस आई बैठी है, बड़ी मुश्किल से छत के रास्ते से आई हूं, अकेले ना जाना, और अभी कुछ अरसे तक गांव भी नहीं आना। मेरे भाइयों के इरादे अच्छे नहीं है। इस हमदर्दी का शुक्रिया, मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं पेश होने जा रही हूं, तुम जल्दी से चले जाओ और बेहतर है कि किसी को साथ ले लो, उन्हें पता है आज तुम शहर जा रहे हो। चल भाई चाचा चल। यार मैंने तुझे मना भी किया था, तू फिर आ गया। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, स्टेशन पे जाना है। जरूरी काम? और बगैर लाइसेंस के बंदूक लेकर? बंदूक जो है वो लाइसेंस के बगैर भी चलती है। कहे तो मैं चला कर दिखाऊं? पागल हुआ है, गांव में पुलिस आई हुई है और तू बंदूक चलाएगा? नीचे कर। अच्छा भाई चल चाचा, तू तो चल, देर हो गई। तुझे किसने बताया? क्या? कि मुझे हिफाजत की जरूरत है। ओ, ताजी ने। यार एक तो ताजी की मुझे समझ नहीं आ। उसकी तुझे समझ ना ही आए तो अच्छा है, बस इतनी समझ ले के वो गई फलक फेर के घर। यार मेरे घर आते जाते रहना, ख्याल रखना। देख खालिद करे, तू सिर्फ ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ रख, यहाँ की तो बिल्कुल फिक्र ना कर, मुझ पे छोड़ दे सब। हाँ बार यार, तुमने तो ज्यादा ही दिन लगा दिए। खैरियत थी? यार घर पर तो खैरियत थी लेकिन गांव में खैरियत नहीं थी।
किसी ना किसी पर कोई ना कोई आफत आई होती है। बड़ी लंबी बात है, शाम को दौलत खाने में आओगे ना तो बताऊंगा। आज शाम को नहीं, आज शाम को नहीं आ सकता यार, एक तकरीब है हमारे। तकरीब? कैसी तकरीब? भाभी की गोद भराई की यार। गोद भराई? ये क्या होता है? ये एक रस्म होती है यार, फैमिली के लोग इकट्ठा होते हैं उसमें, फिर वो खातून जो माँ बनने वाली होती है उसको दुल्हन बनाते हैं, उसकी गोद में 7 किस्म का मेवा, नारियल, फिर 7 किस्म की तरकारी, पान बीड़ा, नकदी वगैरह ना एक बड़े से रुमाल में बांध कर रखते हैं ताकि उसकी गोद हमेशा हरी भरी रहे। वैसे नारियल के बारे में ख़वातीन का ख्याल है कि अगर ये अंदर से अच्छा निकले तो लड़की, वरना लड़का पैदा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सपैर को आ जाओ ना, खुद ही देख लेना। नहीं यार, ये तो घरेलू सी तकरीब है, मेरा क्या काम है? यार अम्मी भी कई बार कह चुकी हैं कि अपने दोस्त को घर बुलाओ, ये एक अच्छा मौका है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वीडियो कैमरा ऑपरेट करना आता है? हाँ, क्यों? बस ठीक है, मैं तुम्हें लेने खुद आ जाऊँगा बस। यार पता है क्या, घरेलू सी तकरीब है, मेरा आना वहाँ बनता नहीं है। तुमसे क्या पड़ता है, तुम बस तैयार रहना, और अगर तुम्हारा पेंडू दिल घबराने लगे ना तो मेरे कमरे में चले जाना। क्या सोच रहे हैं? यार मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। मैं अपनी माजी के साथ ननिहाल जा रहा था तो माजी मुझे कहने लगी कि नाना और मामू के सामने मुझे माजी माजी ना कहना। कितने सादा लोग हैं यार, उनको ये तकरीब दिखानी चाहिए वैसे। यार पहले पता होता तो उन्हें भी बुला लेते हम लोग। नहीं नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये बताओ कि कोई तोहफा लाना हो? नहीं नहीं यार, इस तकल्लुम में कोई ना पड़ना। अच्छा? इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ एहतियातन वैसे वो अपनी नज़मों वाली कापियाँ वो साथ रख लेना, शायद कोई साहिब तो फरमाइशी कर बैठे। नहीं यार, मैं कोई बाकायदा शायर थोड़ी हूँ, वो तो ऐसे ही कच्ची पक्की नज़में और गज़लें लिखी हैं। यार भाई मैंने तुम्हें पेशगी इतला कर दी है ना। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें दोपहर को लेने आ जाऊँगा बस। ठीक है बच्चू, मैंने भी गाँव चल के होले और आबू ना खिलाया ना तुम्हें, और रत्ती छपड़ी में डुबकियाँ दिलाई तो मेरा भी नाम नहीं। अच्छा यार बस ठीक है, तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें दोपहर को लेने आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। आसिम,
रहे बेटा? बस आंटी अब मैं चलता हूँ, फंक्शन तो खत्म हो गया। अरे ऐसे भी क्या, जल्दी थोड़ी देर से बैठो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई बेटा, ये इंतजार तो तुम्हारा रोज आना ही जिक्र करता था। मैंने कहा कि सुरेश साथ ले आओ अपने। अब देखो ना, बेटे का दोस्त भी तो बेटा ही हुआ ना। अब तुम ऐसे मत जाना, बल्कि हमारे साथ रात तक खाना खा के जाना। शुक्रिया आंटी, फिर कभी सही। नहीं, ये मेरा हुक्म समझो बेटा। अच्छा मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ, चाहो तो तुम भी आ जाओ बाहर। जी ठीक है। देखा मैंने कहा था ना, हम भी खाना खाने के बगैर नहीं जाने देंगे। चलो खाना खा के जाएंगे। अब मेरे दोस्त खालिद मोहम्मद खालिद अपने चंद अशार पेश करेंगे। जी वो इस तकरीब के हवाले से मैंने चंद अशार लिखे हैं, वो सुना देता हूँ। जी इरशाद। खिलने लगे चमन में बड़े तरादार फूल, तोहफे में मैं भी लाया हूँ लफ्जों के हार फूल। शाखे चमन पे लग रहा था खुशनुमा, मगर जुड़े में इनके देता है कैसी बहार फूल। वाह वाह वाह, आपने तो लूट लिया हमें। बहुत फूल। कलियां चटक गई अगर वो मुस्कुरा दिए वो लब। चुकवालिए जाओ, उन औरतों को इधर ले। ठीक है जनाब। चलो तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, तुम्हारी जमानतें हो गई हैं। ताजिए चलो, मुझे फांसी लगने दे बेबे, उम्र कैद नहीं चाहिए मुझे। फांसी लगने का इतना ही शौक है तो उधर अदालत में जाकर कहना, हमारी रोजी पर क्यों लात मारती हो? पागल ना बनता जी, चल उठ चल। बेबे चौधरी, बस अब तुम इनको यहां से ले जाओ। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन सबको घर जाते हुए। जी ऐसा होना नहीं चाहिए था, उन लोगों की जमानतें होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब तो हो गई ना जुरे। अब तो ये लोग और दंत नाते फिरेंगे। कोई बात नहीं, बैठो, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तुम लोग डट कराओ बस। गरीब आदमी अगर मर भी जाए तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। खैर हशर के दिन तो इंसाफ होगा ना। हमें चाहिए था कि अगर हम मलक साहब की मदद हासिल करते तो शायद मडोरियों की जमानत ना होती। हाँ इसका ख्याल मुझे आया था, पर खालत को यह बात पसंद नहीं आनी थी। वो क्यों? वो इसलिए जीरू के खालद की जमीन मलक ने हथियाई हुई है ना। ओए हाँ, और बाऊ खालद है तो अपनी जमीन वापस लेनी ही लेनी है इंशाल्लाह। इस सारे किस्से में मलक को शामिल करके मैं खालद को नीचा नहीं दिखा सकता। चलो खैर, जो अल्लाह को मंजूर। मुदे चले। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जूरे। अच्छा भाई, रब रख। चाचा यात्या, तुम दुकान बंद करके यहाँ बैठ कर लंगर खा रहे हो, मेरी जूती टूट गई है। मैं क्या करूं? देखो चाचा, चौधरी अकबर का गुस्सा मुझ पर ना निकाल। कोई गुस्सा नहीं,
कोई गुस्सा नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अब हमारी जूतियां कौन सिया करेगा? चौधरी अकबर बड़ा कारीगर बंदा है, जो औसत रुपए लगवा लो। कमाल है, लगता है इसका दिमाग चल गया। अकबर भाई, हमें तो कोई इनकार नहीं, बड़ा एहसान है आपका हम पे, पर लड़की नहीं मानती। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। और ये कोई बात है, लड़की नहीं मानती? सारा गांव तुम दोनों से डरता है, इतने बड़े शी जवान हो तुम और एक लड़की तुमसे संभाली नहीं जाती, क्यों है बुरियाम? चौधरी साहब बड़ी है मुझसे, डांट देती है, मैं क्या करूं? डांट देती है गामू, तुम बड़े हो, तुम उसे डांट सकते हो, मार सकते हो, बड़ा भाई बाप बराबर होता है। यही तो मुसीबत है चाचा, गोद खिलाया, लाड प्यार से पाला है। ओए लड़कियों को लाड प्यार नहीं किया जाता, उन्हें छोटा मोटा खिलाया जाता है और शेर की आंख से देखा जाता है। चाचा मैं तो उसकी खातर अपनी जनाने भी छोड़ बैठा हूँ, वो उस पर हुक्म चलाना चाहती थी। बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुमने उस लड़की को, अपनी चाची से पूछो लड़कियों को किस तरह रखा जाता है। पूरे घर में दूध की चाटियां भरी पड़ी होती हैं, लेकिन बेटियों को एक सिप्पी दूध चखने नहीं दिया जाता, ये बेटों के लिए होता है। इन्होंने सारी जिंदगी अपनी बेटियों से कभी कलाम नहीं की और उनकी जुरत भी नहीं हुई कभी सामने आने की। बड़ी बेटी को रुखसती के वक्त प्यार किया था, वो भी लोग दिखावे के लिए। और दाज कितना दिया था, असल प्यार तो वो होता है। ठीक है अकबर भाई, कि लड़कियों को ज्यादा टील नहीं देनी चाहिए, पर हम आपकी तरह इतने सख्त दिल भी नहीं है, और ना बेटी की वजह से हमें कोई शर्मिंदगी है। बस हो चुका भैया, चला पुत्र। चाचा कुछ रोज ठहर जाओ, हम उसे राजी कर लेंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह खैर और बेड़े पास। सुन मियां, ये जेवर डलवाने का तो बहाना है, बागा वाली के सुनारों की लड़की बड़ी सूरत वाली है, ये रांझा उस हीर पे आशिक हो गया है। लाहौल वाला कुवत। इस मौलवी के पुत्र को क्यों बता दिया? क्योंकि इधर तुम्हारी दुश्मनी है, और हाँ अकेले ना जाना। यार मैं चलूंगा ना साथ। सब चलेंगे जी, जूरे असला भी साथ रखना। और यार मियां अब्दुल के अलावा हम सब साथ चलेंगे, और वहाँ कौन से देखने पर पाबंदी है, क्यों जूरे? हाँ मेरी कौन सी मांग है, सब देखो ऐश करो। बे शर्मो बेवकूफो, वहां कोई तमाशा लगा है कि सब देखने जाओगे ना? कल किसी की उसके साथ शादी हो गई, फिर तो मजे हैं मियां, जब चाहो जाके देख लो। और लानत है तुम पर, फिर वो तुम्हारी भरजाई लगी। तुम्हारी लगे, मेरी क्यों? ये जूरे का बाप भी जवानी में मरासन निकाल लाया था, फिर छोड़ दी और कुब्बे जलाहे ने कर लिया उसके साथ निकाह, ये भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। जूरे खूबसूरत चीजों को खराब नहीं करते, वारिस शाह साहब फरमा गए हैं, फुल अग दे विच ना साड़िए जी। मियां पर तुम्हारे वारिस शाह ने यह भी लिखा है कि रांझा हीर को भगा के ले गया था। मैं तुम्हारी ये सब हरकते ना बाऊ खालिद को बताऊंगा खत लिखकर। तुम नहीं जाते तो ना जाओ, पर खालिद को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझे? मियां, ओ मियां, बस जाने दो, जाने दो, बस हम तीनों जाएंगे। कल वो मेरा दोस्त है ना मियां अब्दुल, उसका खत आया था कि
थाने में जमानतें हो गई हैं, अदालत में पेशी जरूरी नहीं है। जाहिर है पुलिस ने वाकयात को तोड़ मरोड़ कर मुख्तलिफ सूरत दे दी होगी, मगर अंकल उस बेचारे गरीब हयात मोची को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करना होगा? देखो भाई, तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया, बहुत अच्छा किया, मगर मेरा मशवरा यह है कि तुम इन बखेड़ों में ना पड़ो, सारी जिंदगी यही कुछ तो करना है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ठीक है अंकल, मगर अंकल बेचारा गरीब मोची। भाई कई तेली मोची आएंगे तुम्हारे पास, कई मौके आएंगे इंसाफ दिलाने के, फिलहाल पढ़ाई में दिल लगाओ, और हाँ घर आओ ना किसी दिन, तुम्हारी खाला बहुत याद करती है। ठीक है अंकल, इतवार को आऊंगा। ये बेवक्त कौन आ गया? अरे सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम मुंशी साहब, आप इस वक्त? आ जाइए आ जाइए, आइए बैठे। ये बताइए खैरियत तो है? जी सर, वो आपने एक काम मेरे जिम्मे लगाया था वो पूरा करके आ रहा हूं मैं। कौन सा काम? सर वो फरा बीबी के शादी के सिलसिले में। अरे हाँ वो रिश्ते के सिलसिले में जी। आ जाओ भाई आ जाओ बैठो। वालेकुम। तो क्या खबर है? वो बड़े बदनाम लोग हैं सर। क्या? जी हाँ। मुंशी तुम कहीं और तो नहीं चले गए थे? नहीं बीबी जी, ये कैसे हो सकता है? बीबी की सहेली का नाम परवीन है और वो लड़का जो अपने आप को इंजीनियर बताता है उसका नाम सलीम है। बताता है क्या मतलब? है नहीं वो इंजीनियर? नहीं सर, वो इंजीनियर नहीं है, और उनकी एक छोटी बहन भी है सर। वो वैसे तो गुलबर्ग में रहते हैं लेकिन उनका असली घर हीरा मंडी में है। अच्छा, और परवीन नाश्ती भी है सर। हाय मैं मर जाऊं। सर हुआ ऐसे कि आपने जैसे मुझसे कहा कि उनका पता चल गया। फोन बंद करो और सो जाओ, रसो आ रही है। एक शर्त है। क्या? किसी रोज घर आने का वादा करो। बहुत मुश्किल है भाई, परवीन तुम्हारी अम्मी को फोन कर देगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही कोई ना कोई सूरत निकाल लूंगी। वादा वादा। अच्छा आंखें बंद करो और सो जाओ। लो लो, मैंने आंखें बंद कर ली। झूठ। अरे तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम मेरे पास होते हो कोया। जब कमरे में रजो नहीं होती। अच्छा गुड नाइट, रसो ऊपर आ रही है। सारे गुंजल डाल के रख दिए। जानबूझ के तो नहीं ना डाले। तूने मुसीबत डाली है ना मुझे? मुसीबत डाली है मैंने। भाई इसकी गेठ नहीं करते। क्या कभी सियापे का? क्या दारी? अब जी आया नुपरा, मुझे खरीफ के कार कैसे? बैठो बैठो। एक तो वो अपना मासी का अफसोस करना था, अल्लाह की मर्जी। और दूसरे ये बेबे के कुछ गहने हैं तुलवाने हैं सुनारों से, तुम उनके घर काम करती हो, हमारे साथ चलो। बाजू रे चांदे को साथ ले जा। क्या हो गया? क्या मुसीबत बनगी? आज मेरा उनके घर जाना ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? उनकी बेटी है ना नजी, उसकी केसर मुझसे खराब हो गई। हाँ जी, हम वही लपेट रहे थे जी। तो ये इस तरह तो ठीक नहीं हो। बहुत नाराज है जी मुझसे, वो उस जेवर वही तो होती है। कितने की है मुझे बताओ? पैसे उसने कहाँ लेने हैं, उसे तो यही केसर चाहिए। इसमें उसकी पसंद का गाना है ना वो, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। इंशाल्लाह। है जी? जी जुरे का मतलब है कि नहीं ला देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, अच्छा।
पर स्यापा तो यही है जी कि यहाँ मिलती कहाँ है, उसने तो लाहौर से मंगवाई थी। वो तो फिर क्या हुआ, वो अपना प्यारा खालिद है ना लाहौर में, उससे मंगवा लेंगे, तू फिक्र ही ना कर। नहीं जी, क्यों तकलीफ करते हो, खुद ही दो दफा डांट के मन जाएगी और केसट तुम्हें मिल जाएगी बस। अजीब चल जाके वो ले आ अपना। क्या है काजू रे? कुछ नहीं है, बस थोड़े से चावल है। बेबी ने कहा था कि बहनों के घर खाली हाथ नहीं जाते। बड़ी तकलीफ की तुमने। और इनके लिए कोई चाह पानी बनाएगी? हाँ। खाली गले करती रहे। मैं तो भूल ही गई। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, हम खा पी कर आए, बस तुम हमारे साथ सुनारो के यहाँ चलो। हाँ जी चलो चलो। लो भी जोरे, ये लो जेवर। हाँ तुम लोग हो और मैं जरा कमर सीधी कर लूं। ठीक है ठीक है। यूरो तू भी आराम कर। नहीं मैंने भी देखनी। देखनी? ओह जी, वो इसका मतलब ये है कि इसने भी सुनारों की दुकान देखनी है जी। अच्छा, अच्छा। और इसकी माँ ने कंठा कड़ाना है। पाजीरू का ब्याह हो रहा है। हाँ इसे खारे भी मैंने चढ़ाना है जी। चलो जी। हाँ चलो चलो चलो। बेवकूफ, तू वहां जाके क्या करेगा? और जूरे ने तो सुनारों का गर्भवती देखना है। चोरी डाके की नहीं ऐसे? पर नहीं यार, तुम्हें तो पता है यार, वो वापस आकर मुझे मारेगा तो नहीं? पर मैं हूं ना तेरे साथ, चल बैठ। यार मुझे, तू मेरा भाई है ना यार, मुझे उनके साथ जाने देना है। वो बैठ जा, टिक जा यार, और कभी तो टिक जाया कर, जाने दे। चाचा जी ये मेरे मेके पिंड से आए। मैं कर नहीं भूलती हो तुम औरतें हैं। कैसे भूल सकते हो चाचा जी। अच्छा तो ये धुलवाने हैं या पॉलिश कराने? पॉलिश कर दें जी, चमक जाएंगे। तो ठीक है, पॉलिश कराने हैं तो कल मिलेंगे, धुलवाने हैं तो नहीं, अंदर नजी के पास ले चलो, रेटों से अभी धोकर साफ कर देगी। धुलवाई दें जी। हाँ हाँ ले जाओ। उससे खुद ही बात कर लें जी, वो मुझसे नाराज है। क्यों? उसकी केसेट मुझसे खराब हो गई। हो, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए अंदर नहीं गई हो। हाँ। हैं? चलो मैं खुद बात। नजीब पुत्र। जी अब्बा जी। बेटा इधर आओ। ये क्या बात है अब्बा? बेटा ये जेवर धोने। ये यहाँ क्या कर रही है? वो पुत्र इनके साथ आई है, इसके पिंड के हैं। इसे अंदर भेजिए, आके धुलवाई मेरे साथ। अच्छा अच्छा, चल भाई दारी, तेरी पेशी है अंदर। अच्छा जी। कुछ देर लगेगी, आप चले दारी ले आएगी। चाचा जी इनको पैसे बता दें। पुत्र पालिश के तो हम कुछ नहीं लेते, रगड़ाई कसाई में कुछ बचत हो ही जाती है, तुलाई के थोड़े से लेते हैं। चलो तुम लोगों से वो भी नहीं लेते, तुम दारी के साथ आए हो ना, दारी तो मेरी बेटी की तरह है। अच्छा तुम फिर हम चलते हैं। हाँ तुम लोग कार जाओ, मैं जेवर लेके खुद ही आ जाऊंगी। जाओ ठीक। अच्छा जी, अच्छा बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। अच्छा जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चल बेटा। वो दोनों क्या कर रही हैं? ज्वाला बाजी किचन में और बड़ी बाजी अपने कमरे में होंगी। अच्छा तो तुम क्यों मुंह उठा के बैठ गई, काम करो अपना। अम्मी आप होती हो तो पूछती हैं। हो गई गलती, पूछती हैं। अच्छा खालिद बेटा कौन कौन होता है घर में? जी अब्बा हैं, अम्मा हैं, आपा है और छोटा भाई है। अच्छा तो आपा की अभी शादी नहीं हुई? हुई थी जी, पर एक साल बाद बेवा हो गई, लड़का नशा करता था, बीमार पड़ के मर गया, और ससुराल वालों ने इल्जाम लगाया कि मनहूस थी, हमारे बेटे को खा गई। हाय हाय, तो कोई बाल बच्चा हुआ? नहीं खाला। हाँ तो फिर वो अंतरे क्यों रखते? अपने ना सही, पर दूसरों के बच्चों को ना कुरान पढ़ाती है, गांव में उसकी बड़ी इज्जत है,
और जिन बच्चों को कुरान पढ़ाती है ना, उनके माँ बाप भी उसे अब्बा ही कहते हैं। तो तुम ऐसा करो खालिद, कोई अच्छा सा घर देख के उसकी शादी करा दो। अब्बा अम्मा का इरादा तो है, पर खाला इस दफा जरा देख के। अपने घर वालों को कभी लाओ ना, मुलाकात हो जाए। जी खाला जरूर लाऊंगा, बस जरा इम्तिहान हो जाए ना। अम्मी 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 रूबी की अम्मी आ रही है, मासी डंडोरा इधर ही आ रही है। हाय हे, इधर ही आ रही है। बताओ ये तुम उठो खालिद, यहाँ से उठो। मैं इधर ही ठीक हूँ खाला। नहीं नहीं तुम उठो यहाँ से, इधर जाओ, इधर इधर छुप जाओ कहीं। नहीं इधर आओ, इधर आओ, मैं कहती हूँ तो बताओ किधर जा रहा है। इधर 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 आप। मैं जी दरअसल आप बिला इजाजत अंदर कैसे आए? वो खाला ने मुझे कहा कि यहाँ चले जाओ। मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं समझती थी। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हैं मुझे। सॉरी सॉरी जी। कितने खूबसूरत वाल हैं, रेशम के लच्छी। नजर ना लगा देना दारी। मेरी नजर नहीं लगती, कभी मेरे वाल भी लंबे और घने होते थे, पर चांदे ने खींच खींच के और मार मार के मुझे तो गंजी कर दी है। अब भी मारता है तुझे? मैंने तो उसे मना किया था। उस पर कहां असर होना था नज्जी बीबी। वैसे तुम इस बिजू के पले कैसे पड़ गई? आए नज्जी बीबी, मेरे घर वाले को ऐसे तो ना कहे। क्यों है कोई तुम्हारा उसका जोड़? कभी तिल्ले की तार होती थी और अब टूटी ही तंत हूं। जगह जगह जोड़ लगी। अच्छा ये बता, वो कौन था? वो कौन? छोड़ो नजी बीबी, क्यों सताती हो? आईने में कभी अपनी आंखें देखी हैं? अब भी दिए जलते हैं। मिट्टी के तेल के दिए, चानन कम धुआं ज्यादा। दिल छोटा ना किया करो, अल्लाह तुझे फिर बेटा देगा। देना होता तो वापस ही क्यों लेता? उसकी हिकमतें वही जानता है। एक बात कहूँ नजी बीबी, गलत मतलब तो नहीं लोगी? करो। मेरे पिंड में बाऊ खालद है ना, उसको देख के पता है मैं ये क्या चाहते हैं? तुम्हारा घर वाला वो होता? अरे नहीं, मेरा जी चाहता है वो मेरी कुक से पैदा होता। तुमने बात को घुमाना फिराना जरूर होता है, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे घर उस जैसा बेटा पैदा हो? उस जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। अच्छा कौन है वो? वो हकीम साहब का पुत्र है, लाहौर में वकालत पढ़ता है, बड़ा लैक, और रब ने रूप भी तुम्हारे जैसे दिए उसको। अच्छा उसकी बहन भी बड़ी अच्छी है, पर बेचारी नौ उम्र में बेवा हो गई। बच्चे को कायदे कुरान पढ़ाती है, सब उसको आपा कहते हैं। कभी आई तो मिलाना उससे? उसने मुझ गरीब के घर कहा ना, दुआ कराने चाह वाले चलोगी ना तो मुलाकात करा दूंगी। मैं नहीं जाती दुआ कराने। अब्बा कहते हैं 10 जमातें बहुत है, तुमने ज्यादा पढ़ के क्या करना है? आहे बीबी, तलीम तो तलीम है, जितनी हो उतनी काट। जानती हो असल बात क्या है, कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर जाना और वहीं रहना पड़ेगा, और अब्बा अब्बा तो मुझे अपनी नजरों से दूर करना ही नहीं चाहते। तुमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं, पर एक दिन तो जाना ही होगा। कहते हैं तुम्हारा मुंह ना देखूं तो लगता है कि दिन ही नहीं निकला।